मैं आरएस राठौर आज कुछ जीवन उद्देश्य पर हम लोग अपनी विचार साझा करेंगे। दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी नहीं, आप लोगों से जब कभी भी रूबरू होता हूं तो बस अपनी वर्षों का अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। मेरे विचार से कोई असहमत हो सकते हैं, मैं उससे नमस्ते करता हूं, लेकिन आप हमारे विचार के साथ थोड़ी समानांतर दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं जीवन उद्देश्य पर चर्चा करने जा रहा हूं। हरिवंश राय बच्चन का इस मौका पर कुछ पंक्तियां हमें याद आती है। तू न रुका है कभी, तू न थमा है कभी, तू न मुड़ा है कभी, की शपथ की शपथ की शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जीवन एक अग्निपथ है। राजा की पूजा अपने राज्य के सीमाओं के अंदर होती है, अपने प्रजा के लिए वो पूज्य होते हैं, लेकिन विद्वान का पूजा पूरे संसार में होता है, क्योंकि विद्वान पूरे मानव जाति का प्रेरणा स्रोत होते हैं। कोई बहुत शक्तिशाली, कोई बहुत ही शक्तिशाली राजा कितने युद्ध लड़े होंगे, कितने युद्ध जीते होंगे, ये समय के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि राष्ट्रगान किसने लिखा, बल्ब का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार किसने किया, प्रकाश की गति किसने बताया, इसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। धन का निवेश अगर आप गोल्ड पर करते हैं तो उसको चोरी हो जाने का डर है, लेकिन अगर हम लोग धन का निवेश शिक्षा पर करते हैं तो उसे चोरी हो जाने का कोई डर नहीं है। जीवन के अंत तक एक अनमोल धरोहर के तरह हमारे जीवन के साथ साथ पूरी समाज को रोशनी देता रहेगा। अतः हम लोगों को अपनी धन का निवेश ज्यादातर शिक्षा पर करना चाहिए, उसके बाद बचे हुए धन जो रहेंगे वो आपका अपनी धन होंगे, उसका निवेश जैसे करना चाहे, लेकिन पहला उद्देश्य शिक्षा। वेपन यानी शस्त्र में जंग लग सकता है, हो सकता है कि शस्त्र पुराना हो जाने पर
अपनी प्रभाव कम कर दे, प्रभावहीन हो जाए, लेकिन शास्त्र कभी भी प्रभावहीन नहीं हो सकता। शिक्षा एक ऐसी धन है, अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका लाभांश, उसका डिविडेंड हमें जीवन के अंत तक मिलता रहता है। हमारे देश में जीडीपी का 4.6% 2020 के पहले खर्च की जाती थी, लेकिन 2020 के बजट सत्र के दस्तावेजों के अनुसार 6% शिक्षा पर खर्च करते, चाइना 4%, अमेरिका 5.8%, जबकि ये सारे देश जिसका नाम मैं ले रहा हूं ये विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन छोटा देश जैसे फिनलैंड, मैक्सिको, जापान, ऐसे देश जो तेजी में आगे बढ़ा है, जापान 14% से ज्यादा अपने शिक्षा पर खर्च करता है, यानी पूरी वैश्विक स्तर पर युद्ध और सामरिक सुरक्षा के लिए अधिकतम जो खर्च की जाती है, तो पूरी वैश्विक स्तर पर अगर शिक्षा पर अधिक खर्च की जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना होगी। जब वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना होगी तो सामरिक खर्च अपने आप कम हो जाएगा। विश्व में हथियार बनाने की होर कम पड़ जाएंगे। अभी पूरी विश्व हथियार बनाने के होर में है, जो मानव जाति के अस्तित्व पर एक भविष्य में गहराता हुआ संकट दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे यहां शिक्षा पर खर्च करने के उद्देश्य में और भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिशत मैंने बताया अमेरिका 5.8% ही खर्च करता है, लेकिन उसकी आबादी हमारे देश में एक बड़े राज्य से थोड़ा सा ज्यादा आबादी कम है, उस हिसाब से अमेरिका अधिक खर्च करते हैं। शिक्षक, सैनिक और किसान का मूल्य जब तक किसी समाज में सबसे ऊपर नहीं रखा जाएगा, उस समाज, उस राष्ट्र की विकास खोखली होगी। अभी जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी में बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था अपने अस्तित्व को गर्दिश में मिटने के दिशा में देख रहा था, उसकी सारी धन, अकूत धन संपदा कुछ काम नहीं आ रहा था, लाचार से हो गए थे। लेकिन इस समय
जरा आप सोचें, वैज्ञानिक ना होते यानी शिक्षा नहीं होता तो मानव जाति पर कितनी बड़ी खतरा हो जाती, भविष्य क्या होता, हम उसे किसी शब्दों से तुलना नहीं करना चाहते हैं। उसकी तुलना कोई शब्दों से नहीं की जा सकती। अतः हम लोग अभी जो आशा की किरणें देखते हैं कि सामान्य जीवन को फिर से जीना शुरू करेंगे, तो हम लोग वैज्ञानिक के तरफ ही देख रहे हैं। इसलिए हमारे देश में शिक्षा की बजट को बढ़ाना चाहिए और इसकी शुरुआत हम अपने परिवार से क्यों न करें, अपने आप से क्यों न करें। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए अधिकतम जागरूकता की जरूरी है। खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जो मानवीय मूल्यों को एक पहचान देने के लिए जरूरी है, आकर्षक व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बनने के लिए जो जरूरी आवश्यक गुण है, वो सभी फ्री में मिलते हैं। हम कितने ज्यादा ईमानदार बने, मुफ्त में मिलता है। हम कितने ज्यादा मेहनती बने, मुफ्त में मिलता है। हम किसी का बुरा ना सोचे, मुफ्त में मिलता है। सकारात्मक सोच रखे, मुफ्त में मिलता है। यानी अनमोल धरोहर जो ईश्वर ने मानव जाति को अर्पित किया है, वो सभी मुफ्त में मिलते हैं। इसलिए अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो अर्जित सभी धन बेकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर अर्जित सभी धनों का प्रयोग फिर स्वास्थ्य बचाने में लगाते हैं। इसलिए हम सभी को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए, शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। शिक्षा अनमोल धरोहर है। परिवार और समाज, राज्य और राष्ट्र की विकास में पुरुष और महिलाओं के शिक्षा के बीच जो हमारे यहां अंतर है, उसे पाटना चाहिए। उस दिशा में काम हो रही है, लेकिन काम और भी तेजी में होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात का समर्थक हूं कि हर चीज की मापदंड, हर चीज को शिक्षा पर ही तौली जाए। चाहे राजनीति क्यों ना हो, कोई सामाजिक कार्य क्यों ना हो, हमारा लीडर वही होगा जो सबसे शिक्षित होगा। हम पर नेतृत्व वही करेगा जो शिक्षित होगा। तो हर एक चीजों की मापदंड अगर शिक्षा होगा, तो लोगों की झुकाव शिक्षा की ओर जाएगा ही। ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। अतः हम सबों को आज जो मैंने विचार साझा किया है, वो शिक्षा पर किया है। कल मैं फिर वीडियो में किसी अन्य और सकारात्मक विचार के साथ आऊंगा। आप सभी को धन्यवाद। सुखद समृद्ध जीवन की धन्यवाद। और ये वैश्विक महामारी अति शीघ्र समाप्त हो, ये ईश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।